हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल सफर पर निकलने वाले हैं, वेयर वी विल एक्सप्लोर द ग्रैंडियर एंड मैग्निफिसेंस ऑफ कुआलालंपुर सिटी। द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ दिस प्लेस विल मेक अस फील लाइक वेयर इन अ होल न्यू वर्ल्ड। सो लेट्स कम अलोंग ऑन दिस जर्नी एंड डिस्कवर द ग्लोरी ऑफ कुआलालंपुर टुगेदर। तो अभी हम आए हैं केल टावर, जो कि एक ऑब्जर्वेशन डेक है, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। सी, and this is the tower I was talking about. This is the engineering marble. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, पूरा मॉडर्न शहर है एक कुआलालंपुर। So this is the observation deck. यहाँ से पूरे शहर का व्यू देखिए, एंड लुक एट दिस टावर वंस अगेन, ऑफ सो फोटोजेनिक। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, छोटी लग रही है इस ऑब्जर्वेशन डेक के सामने। ये जो बिल्डिंग है, दिस इज ऑल्सो अ इंजीनियरिंग मार्बल, वेरी गुड लुकिंग बिल्डिंग, ओह सच अमेजिंग व्यू। और ये जो पूरा एरिया है, इज सराउंडेड बाई लॉट ऑफ हिल्स। टोक्यो जापान 634 मीटर, 600 मीटर, कैंटन टावर चाइना, सीएन टावर, ओके कौन सा टावर कौन सी कितनी ऊंचाई पे है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो कुआलालंपुर का टावर है, ये है 421 मीटर, दिस वन जिस पे अभी हम खड़े हैं ऑब्जर्वेशन डेक पे। एंड लुक एट दिस टावर गाइस फ्रॉम हियर, इसको बोलते हैं पेट्रोनास टावर। दिस इज द मोस्ट फेमस टावर इन कुआलालंपुर, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हम लोग भी जाएंगे देखने, जस्ट स्टे ट्यून्ड। ये ऑब्जर्वेशन डेक अमेजिंग तो है ही, और अगर कुछ सोविनियर खरीदना चाहते हैं तो मेरे पीछे ये शॉप है, यहाँ से चाहे तो आप खरीद सकते हैं। अभी आपको हमने ऑब्जर्वेशन डेक दिखाया, कितना खूबसूरत लग रहा था पूरा शहर ऑब्जर्वेशन डेक से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन डेक, देर इज अनदर प्लेस विच इज़ कॉल्ड द स्काई डेक। वहाँ का कॉस्ट थोड़ा हाई है, हमने पूछा, उसका कॉस्ट था 110 रिंगित पर पर्सन। सो हमने सोचा कि हमने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन डेक से सब कुछ देख ही लिया है, पूरा शहर का व्यू अच्छी तरह से हम लोगों को मिल गया है, अच्छा फोटो सेशन भी हो, तो स्काई डेक में अलग से जाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी जगह पे है। आप सोचिए, ये दिन में इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो रात को कितना खूबसूरत लगेगा ये ऑब्जर्वेशन डेक से पूरा ये शहर। पूरा शहर रात को जगमगाता है, और मैं आपको रात का भी व्यू दिखाऊंगा, नॉट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन डेक। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में। ये आप देखिए, मैंने जैसे बताया था स्काई डेक और ऑब्जर्वेशन डेक में डिफरेंस, तो ये स्काई डेक में पूरा आसमान आपको दिखेगा, खुला खुला सा है, फुल्ली ओपन। और ऑब्जर्वेशन डेक में, जैसे कि हमने आपको दिखा, ये पूरा क्लोज है, ये है ऑब्जर्वेशन डेक। सो द पीपल कैन गेट द डिफरेंस, उसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा डिस्प्ले किया गया है। तो अभी हम आए हैं किंग्स पैलेस पे, ये बहुत बड़ा एक पैलेस है। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है ये रॉयल गार्ड्स है यहाँ पे। सो दिस इज किंग्स पैलेस, मुझे कल रात को ठीक से सो नहीं पाया, फ्लाइट में 4 घंटे की फ्लाइट थी, इतनी नींद आ रही कि मैं, लगता है मैं सो जाऊँ। लेकिन क्या करें, आज पूरे दिन का प्लान है और आप लोगों को भी दिखाना है। हम लोग अभी आए हैं मलेशिया के नेशनल मेमोरियल में। नेशनल मेमोरियल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है,
मलेशियंस ने या फिर मलेशिया एज अ कंट्री ने जितने भी वॉर्स लड़े हैं इन सब सोल्जर्स को डेडिकेट करके ये मेमोरियल बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1914 टू 1918 में एक वॉर लड़ा गया, 1939 टू 1945, 1948 टू 1960 में फॉट विथ ब्रिटिश ऑल्सो। सो उसके रिलेटेड भी यहाँ पर इन लोगों को सम्मानित करने के लिए जो जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी उन लोगों के लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरियल। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तन्मय इज बिजी विथ फोटोग्राफी। अभी तो धूप थोड़ा कम है, जब मैं लास्ट लोकेशन पे गया था किंग्स पैलेस में मुझे लग रहा था कि मैं सर चकरा के गिर जाऊंगा, इतनी ज़्यादा कड़ी धूप थी वहाँ पे। अभी थोड़ा सा धूप कम हुआ है, नहीं तो आप चल नहीं सकते यहाँ पर। अगर 5 मिनट खड़े रहेंगे तो योर हेड स्टार्ट स्पिनिंग। ये ट्रॉपिकल एरिया है, दैट्स वाई इट्स टू मच हॉट। ये नेशनल मेमोरियल का थोड़ा सा पीछे का साइड है, एक्चुअली आगे ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते, द होल एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड। सो दिस इज द इंडिपेंडेंस स्क्वायर ऑफ कुआलालंपुर। जैसा कि पीछे देख सकते हैं पूरा झंडा है मलेशिया का यहाँ पे, और दिस इज नथिंग बट अगर आप कोलकाता गए हो कभी, जो धर्मतला है, जो सिग्निफिकेंस है धर्मतला का सेंटर, वो है यहाँ का इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जितना मुझे समझ में आया। और यहाँ से आप देखो यूरोमस भी देख सकते हो, और यहाँ से आप ये टावर भी देख सकते हो जिसमें हम अभी गए थे, यहाँ से आप ये कुआलालंपुर टावर भी देख सकते हो। और एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, ये है ब्रिटिश टाइम का हाई कोर्ट। यहाँ पे इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है जो कि मेरे बस की बात नहीं है। और बीच में ये जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर पीछे देख रहे हैं, बीच में ये मैदान है और कुछ नहीं है, ये एक सेंटर एरिया है इस शहर का, दैट्स इट। आप यहाँ से ऊंची ऊंची इमारतें देख सकते हैं चारों तरफ। तो ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं यहाँ पे, और धूप इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ धूप है कि मुझे लग रहा है कि मैं और 5 मिनट यहाँ पर खड़ा रहूँ ना तो मैं गिर जाऊँगा। तो अभी हम आए हैं एक चाइनीज टेम्पल पे जिसका नाम है पर सैटुअन हनीनन। ओके, इज अ वेरी डिफिकल्ट नेम, आप खुद ही पढ़ लीजिए। तो अब मेरे पीछे जो टेम्पल देख रहे हैं ये वही टेम्पल है, इज अ चाइनीज टेम्पल बट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल विद ऑसम आर्किटेक्चर, जस्ट लुक एट दिस टेम्पल गाइस। तो अंदर चल के दर्शन करते हैं टेम्पल का। सो दिस इज द टेम्पल गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड टेम्पल। एंड देखिए यहाँ पर सडनली वेदर कैसे चेंज हो रहा है, अभी क्लाउडी वेदर है और इट्स रेनिंग जस्ट स्टार्टेड। तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ ये टेम्पल, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे शू उतारना पड़ेगा। देखिए कितना खूबसूरत टेम्पल है, लेट मी जूम। वाओ, तो मैंने सोचा टेम्पल के अंदर चलते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। और देखिए इसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। सो हम अभी जिस जगह पे आए हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन कुआलालंपुर। इसका नाम है एक्वारिया, जो कि अंडरग्राउंड एक एक्वेरियम है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन कुआलालंपुर। इट विल कॉस्ट यू पर पर्सन 75 रिंगित, लेकिन हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था तो हमें अलग से कुछ देना नहीं पड़ा इसके लिए। इस तरह का अंडरग्राउंड एक्वेरियम मैंने फर्स्ट टाइम देखा था रॉटरडैम में, उसके बाद नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स लेटर आई एम गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ एक्वेरियम हियर इन कुआलालंपुर। This place is great for kids.
Not only kids, for adults also. You will see variety of fishes. Oh my god, I think this is lobster. Wow. क्या नाम है? स्टिंगरे। ओके स्टिंगरे। We are now entering the premises of Petronas Tower. So we are standing in front of the world famous Petronas Tower. This is the most popular tower in Malaysia. जिसको हम लोग टीवी में देखते थे, वीडियो में देखते थे, उसी टावर के सामने, वर्ल्ड फेमस पेट्रोनस टावर के सामने हम लोग अभी खड़े हैं। तन्मय वहाँ पे फोटोशूट कर रहा है। Now is 4:30 PM. आप सोचिए, अभी इतना खूबसूरत लग रहा है तो रात में जब जगमगाएगा तब कितना खूबसूरत लगेगा ये टावर। मैं कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ, आज तो शायद पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड। ओके, आज डिनर करके सो जाएंगे। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं कल रात को आके एक बार इस टावर को आपको नाइट व्यू दूंगा। सो गाइज, वी आर एंडिंग दिस ब्लॉग टूडे फ्रॉम पेट्रोनस टावर। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग, काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।